हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिशन कॉमर्स में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्लानिंग के बारे में स्टडी किया और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5, वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट की और वो प्लानिंग के बाद आती है। जब हमारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग की शुरुआत करते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग क्या होती है। देखिए, यहाँ पे मीनिंग लिखी हुई है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशन अमंग देम। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा समझ लें हम लोग क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज, यानी जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज होने वाली हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद ग्रुपिंग करना, यानी जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उसको एक साथ एक ग्रुप में करना। एंड establishing अथॉरिटी रिलेशन among them, ग्रुप्स जब बन जाएं तो उस ग्रुप के अंदर कौन हेड होगा और कौन सबॉर्डिनेट होगा, किसकी क्या पावर होगी और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इसको डिफाइन करना ही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग होती है। अब हम समझते हैं इसके स्टेप्स को। तो स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ज्यादा बड़ा नहीं है, देखिए सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, कि करना क्या है, हमारा काम क्या होगा। मैं एग्जांपल आपको बैंक का देता हूं। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक में क्या क्या काम होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, कैश जमा होता है, कैश विड्रावल होता है, चेक भरे जाते हैं, लोन दिए जाते हैं, ये सब क्या है आपकी बैंक के अंदर होने वाली एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहला काम यही होता है कि सारी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना। एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कौन उस एक्टिविटी को पूरा करेगा, वो डिवाइड करना अमंग द एम्प्लॉयज एंड सबॉर्डिनेट्स, यानी हर एक आदमी का रोल डिफाइन करना कि कौन क्या करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब देखिए, सेकंड स्टेप है डिपार्टमेंटेशन, या इसको हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन भी बोलते हैं, या इसको हम ग्रुपिंग ऑफ वर्क भी बोलते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ये आप जान ही चुके हैं, पर हर कैटेगरी में कई बंडल ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। जैसे मैं आपको एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल देता हूं कि फैक्ट्री में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं पर उसकी एक कैटेगरीज होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग। तो ये क्या है, एक कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी है। अब इस कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो सेकेंड स्टेप में हमको ये करना है कि जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज हैं उसको एक कैटेगरी में रखना है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन या ग्रुपिंग ऑफ वर्क, यानी डिपार्टमेंट बना देना, सेपरेट डिपार्टमेंट हर कैटेगरी के लिए। प्रोडक्शन करने के लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा, मार्केटिंग करने के लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा, परचेजिंग करने के लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा। तो जितने भी एक्टिविटीज उस कैटेगरी में आएगी वो हम उस डिपार्टमेंट के अंदर फिक्स कर देंगे। ये सेकेंड स्टेप हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखिए, आपने डिपार्टमेंट बना दिए,
डिपार्टमेंट बनाने के बाद हमारा काम होता है हर एक आदमी की ड्यूटी को डिफाइन करना और उनको उनका रोल एक्सप्लेन करना कि कौन आदमी क्या काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तो काम आपका सही तरीके से पूरा नहीं होगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है वो है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। देखिए, आपने ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपका काम पूरा नहीं होता। ड्यूटीज को चेक कौन करेगा, कौन किसका सुपीरियर होगा और कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, ये एस्टेब्लिशिंग कहलाती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को मॉनिटर करने के लिए बॉस प्रिपेयर किए जाते हैं और वो बॉस ही उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को हैंडल करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इसमें ये बता दिया जाता है कि कौन आदमी किस बॉस के अंडर काम करेगा और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, और बॉस को भी पता रहता है कि हमारे अंडर में कितने एम्प्लॉयज काम करेंगे और हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और क्या क्या अथॉरिटीज होंगी। तो इस पूरे रिलेशनशिप को डिफाइन करने को हम बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो ये थे आपके स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग हम करते क्यों हैं? स्टेप्स तो समझ लिए कि कैसे करना है ऑर्गेनाइजिंग, चार स्टेप्स हैं टोटल। इसके बाद हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजिंग हम करते क्यों हैं। तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, मैंने आपको बताया यहां पे क्या है, डिपार्टमेंटेशन, यानी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना। तो जब आप डिपार्टमेंट बना देते हैं तो वो डिपार्टमेंट में उसी नेचर की सारी एक्टिविटीज आती हैं और उससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन, वो उस चीज में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है, यानी आपके रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होते हैं और आप फोकस्ड हो जाते हो। तो पहला बेनिफिट है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट। सेकंड है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, कौन आदमी बॉस होगा, कौन आदमी सबॉर्डिनेट होगा, ये रिलेशनशिप ही कहलाता है वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है, और अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो सीधी सी बात है आपका काम सही तरीके से पूरा नहीं होगा। तो ये कहां हम डिफाइन करते हैं, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स में। इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, हर आदमी को अपना रोल क्लियर है, और जब ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। तो ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंस है। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हर चीज वेल डिफाइंड होगी, हर आदमी का रोल क्लियर होगा, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को हम पर्टिकुलरली कैटेगराइज कर देंगे, तो ये इन सब चीजों से जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। अगर आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं तो आपकी कॉस्ट कम होती है, और जब आपकी कॉस्ट कम होती है तो सीधी सी बात है आपका प्रॉफिट बढ़ता है। फोर्थ, एडाप्टेशन टू चेंज। सोचिए, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी कैटेगरीज नहीं हो, कोई भी डिपार्टमेंट नहीं हो, और अचानक हमको कोई चेंज करना पड़ जाए तो क्या होगा? हमको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे और उसमें हमारा बहुत सारे एफर्ट्स और मनी वेस्ट होगी। पर अगर हमको ये पता है कि हमारा चेंज पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के लिए करना जरूरी है, मान लीजिए हमारी सेल्स नहीं हो रही है, तो हमको जो चेंज है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में करने की जरूरत नहीं है,
वो सिर्फ हम पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्ट नहीं होगा अगर आपने डिपार्टमेंट बनाकर रखे हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑर्गेनाइजिंग का कि इसमें आपको चेंज करना आसान होता है, चेंजेस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। पांचवा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, काम को बांटते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, डिपार्टमेंटेशन करते हैं, और जब हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो हर डिपार्टमेंट का एक बॉस होता है। तो हर डिपार्टमेंट का जब अपना एक बॉस है तो सीधी सी बात है वो अपने डिपार्टमेंट पर फोकस करेगा और साथ साथ में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी फोकस करेगा। तो सीधी सी बात है किसी एक मैनेजर के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और सब मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट्स को वेल डिफाइन करेंगे और कंट्रोल करेंगे, जिससे क्या होगा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चलेगा, कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी, रिपीटेटिव जॉब्स नहीं होंगी। इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ इंपॉर्टेंस है वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखिए जब आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्क के लिए एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप वही काम डेली करते हैं, रेपिटेटिव नेचर में डेली आपको वही काम करना है, वही रूटीन जॉब आपको कंप्लीट करना है, तो इससे क्या होगा, आप कुछ ही दिनों में उस जॉब में एक्सपर्ट बन जाओगे। और जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन। एक्सपर्ट होने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके कैरियर में ग्रोथ होती है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो इससे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है। सेवेंथ जो है वो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर आपने वेल डिफाइंड तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क किया है, डिपार्टमेंटेशन किया हुआ है, तो ग्रोथ में आपको आसानी होती है और एक्सपेंशन में भी आसानी होती है, क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज लाना चाहते हो तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता, आप जिस एरिया में डेवलपमेंट चाहते हो सिर्फ उसी कैटेगरी में चेंजेस करते हो, बाकी चीजों में आप चेंजेस नहीं करते हो, इससे एक्सपेंशन में या ग्रोथ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आप आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हो। तो ये है आपका स्टेप्स और इम्पोर्टेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिशन कॉमर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।